नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणिशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स कॉजेज। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो चार परतों का बना होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो होता है जहाँ हम रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर वो होता है जिसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आता है मेजोस्फेयर, और मेजोस्फेयर से सबसे बाहर की परत जो आती है वो थर्मोस्फेयर कहलाती है। ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में यह गैस अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस पृथ्वी के निचले वायुमंडल में एक प्रदूषक व हानिकारक गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर के निचले स्तर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच इस गैस की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसे सामान्यतया ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन परत का यह आशय नहीं है कि इस स्तर में अन्य गैसों या प्रमुख गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तुलना में ओजोन अधिक होती है। ओजोन परत नाम इस क्षेत्र को इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ वायुमंडल के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अनुपात में ओजोन पाई जाती है, परंतु यह अधिक मात्रा इतनी भी कम होती है कि भाग प्रति 10 लाख यानी ppm में गिनी जाती है। यह 1 से 10 ppm होती है। ओजोन की मात्रा संपूर्ण स्ट्रेटोस्फेयर में वर्ष भर एक जैसी नहीं रहती है, वरना इसमें स्थान में मौसम के स्थान परिवर्तन आते हैं। बहुत कम मात्रा में ओजोन 10 से 50 किलोमीटर के बीच मिलती है, परंतु ओजोन का अधिकतम मात्रा लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है, जिस क्षेत्र में ओजोन पाई जाती है। अर्थात ओजोन परत को कभी कभी ओजोन मंडल या ओजोनोस्फेयर भी कहा जाता है। द ओजोन लेयर इज ए रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। यानी कि ओजोन परत की सबसे बड़ी उपयोगिता हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकना है। पराबैंगनी किरणों के विकिरण को तीन भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें UVA, UVB व UVC नाम दिया जाता है। इनमें से अधिकतम हानिकारक UVC विकिरण हैं, जिन्हें ओजोन परत पूर्णतया अवशोषित कर लेती है। UVB भी हानिकारक हैं, इनका अधिकांश भाग ओजोन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के उच्चतम भाग के मुकाबले पृथ्वी की सतह पर UVA किरणें अपेक्षाकृत कम हानिकारक हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी तक पहुंचता है। ओजोन परत की ओजोन पराबैंगनी किरणों से विघटित होकर ऑक्सीजन गैस व परमाणविक ऑक्सीजन में बदलती है, तथा इस प्रक्रिया में पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अनेक मानव निर्मित व प्राकृतिक पदार्थ ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके उसे तोड़ सकते हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को ओजोन रोकती है। यदि यह कम हो जाएगी तो पृथ्वी की सतह तक पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ जाएगी। ओजोन को क्षति पहुंचा सकने वाले ये पदार्थ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या ODS कहलाते हैं। ये मुक्त मूलक उत्प्रेरक होते हैं। कुछ प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ निम्न प्रकार से हैं: नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, परमाणविक क्लोरॉन और परमाणविक ब्रोमीन। जब से मानव ने रसायनों का प्रयोग शुरू कर दिया है, तब से ये सभी मानव जनित स्रोतों से प्राकृतिक स्रोत की तुलना में कई गुना बड़ी मात्रा में उत्पन्न किए गए हैं, तथा इनकी बड़ी मात्रा वायुमंडल में आ रही है।
क्लोरीन व फ्लोरीन युक्त कार्बनिक रसायन फ्रियोन कहलाते हैं तथा ब्रोमीन व फ्लोरीन युक्त रसायन हेलोन कहलाते हैं। दोनों तरह के रसायनों के अनेक रूप ज्ञात हैं तथा इनका उत्पाद मानव अनेक उपयोगी कार्य हेतु करता है। फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग शीतलन के लिए किया जाता है। यह गैस शीतलकों से रिसकर वायुमंडल में पहुंचती है। हेलोन का उपयोग अग्निशामकों में किया जाता है। हम जितने भी प्रकार के स्प्रे देखते हैं इन्हें CFC का उपयोग प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता था। हेलोन व फ्रियोन सामान्यतः वायु की तुलना में भारी होते हैं अतः नीचे रहते हैं, परंतु इनकी आयु लंबी होने से इन्हें हवा के माध्यम से स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने का अवसर मिल ही जाता है, जहां प्रकाश की उपस्थिति में इनका अपघटन या फोटो डिसोसिएशन होता है। अपघटन के परिणाम स्वरूप ये क्लोरीन या ब्रोमीन मूलक उत्पन्न करते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन परमाणुओं को तोड़ते हैं। ये मूलक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ करते हैं जिसमें एक मूलक लगभग 100,000 ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है। यह अभिक्रिया तभी रुकती है जब क्लोरीन या ब्रोमीन मूलक पुनः वायुमंडल की निचली परतों में आता है, सामान्यतः स्ट्रेटोस्फीयर में रह सकता है। यह अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है उसमें हेलोन फ्रियोन प्लस ओजोन मिल जाते हैं। इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि इसके प्रारंभ होने के लिए परमाणु को ऑक्सीजन चाहिए जो कि हमें स्ट्रेटोस्फीयर से ही उपलब्ध होती है। इसके अलावा ओजोन डिप्लेशन के कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं जैसे कि सनस्पॉट और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, लेकिन ये कारण सिर्फ 1-2% ही ओजोन लेयर का डिप्लेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ वॉल्केनिक इरप्शन भी ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मानव द्वारा बड़ी मात्रा में इन रसायनों के प्रयोग से वातावरण में ओजोन की मात्रा घट रही है। ओजोन की परत पहले से ही अधिक झीनी या पतली होती जा रही है, इसे हम ओजोन परत का डिप्लीशन कहते हैं। एक और परिघटना जो सबसे पहले 1985 में प्रकाश में आई थी वह थी अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल के एक बहुत बड़े भाग में ओजोन का अत्यंत ही विरल हो जाना। वैज्ञानिकों ने इस घटना को ओजोन होल नाम दिया। सामान्यतया भूमध्य रेखा की ओर जाने पर ओजोन परत की मोटाई घटती है तथा ध्रुव पर बढ़ती है, परंतु अंटार्कटिका पर छिद्र का देखा जाना इसके विपरीत था। ओजोननाशी या क्षयकारी रसायनों का प्रयोग ध्रुव पर बड़ी मात्रा में नहीं किया जाता है, फिर भी इसके ध्रुव के ऊपर देखे जाने के कारण वायुमंडलीय वायु धाराएँ होती है तथा ध्रुवीय स्ट्रेटोस्फेरिक बादल यानी कि पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के निर्माण जैसी कुछ घटनाएं हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ध्रुवों के ऊपर ले जाती है तथा ओजोन क्षय का उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। ओजोन की मात्रा को सामान्यतः डॉब्सन यूनिट में गिना जाता है जो किसी स्थान पर उपलब्ध ओजोन कॉलम है। ओजोन की मात्रा 220 DU से कम होने पर छिद्र कहा जाता है। वर्ष 2006 में अंटार्कटिका के ऊपर इसकी मात्रा 85 DU थी तथा ओजोन छिद्र का फैलाव सितंबर 2006 में 290,000 वर्ग किलोमीटर था, जो इतिहास में सबसे बड़ा फैलाव था। अब हम पढ़ते हैं कि ओजोन विरलन के क्या क्या परिणाम होते हैं। ओजोन विरलन का सबसे सीधा व पहला परिणाम निचले वायुमंडल में पराबैंगनीय विकिरणों की मात्रा का बढ़ना है। इससे स्किन कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणों का सीधा संबंध कैंसर के साथ पाया जाता है। प्रयोग बताते हैं कि 1% पराबैंगनी किरणों के बढ़ने से कैंसर की आवृत्ति 2% बढ़ जाएगी। यह कैंसर पराबैंगनी किरणों के DNA या पाइमेरिडिन के डाइमर बन जाने से ट्रांसक्रिप्शन में आई त्रुटियों के कारण उत्पन्न होते हैं। आधारी व स्क्विशम कोशिकाओं के कैंसर अपेक्षाकृत कम हानिकारक होते हैं तथा मेलानोमा अधिक घातक होते हैं। पिछले 7 वर्षों में मेलानोमा कैंसर के 56% तथा नॉन मेलानोमा कैंसर में 46% की वृद्धि हुई है।
सेकेंड इसका परिणाम है ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बढ़ना। जब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन घटती है तो यूवी रेज वायुमंडल में नीचे तक आ जाती है, जहाँ ये ऑक्सीजन को तोड़कर ओजोन बनाती है। और ओजोन का सीधा उद्भासन जीवों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह एक टॉक्सिक गैस है तथा तीव्र ऑक्सीकारक होती है। परावैंगनी किरणें यदि पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं तो ये साइनोबैक्टीरिया को क्षति पहुंचाती है। यदि बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, इनके नष्ट होने से चावल व अन्य फसलों के उत्पादक में कमी आती है। नेक्स्ट आता है प्लैंकेटोन की मात्रा में कमी। परावैंगनी किरणों से जलीय तंत्र के प्लैंकेटोन भी नष्ट होते हैं, जिससे जलीय तंत्रों की प्रोडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि हमें ओजोन क्षय को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट है अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड। हमें पेस्टिसाइड को कंट्रोल करना चाहिए और उसके लिए नेचुरल जो मेथड्स हैं उनको काम में लेना चाहिए। और सेकेंड है व्हीकल्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि व्हीकल्स के यूज़ करने से ग्रीन हाउस गैसेस लगातार बढ़ रही हैं, जो भी ओजोन डिप्लीशन का एक मेन कारण है। नेक्स्ट है हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। धन्यवाद।